नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनवर्ड न्यूज नेटवर्क में। दोस्तों, हाल ही में वैज्ञानिकों ने खोजी एक ऐसी आकाशगंगा जिसमें डार्क मैटर ही नहीं है। जी हाँ, चलिए चलते हैं इसी शोध की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आकाशगंगा और डार्क मैटर और डार्क एनर्जी होती क्या है। तो पहले ये जान लीजिए, आकाशगंगा गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह होता है जिसमें सभी तत्व गुरुत्वाकर्षण एनर्जी द्वारा एक साथ जुड़े होते हैं। इसे ही आकाशगंगा कहा गया है। इसमें कई सूर्य, ग्रह, पिंड और उल्काएं, तारे शामिल होते हैं। हमारी पृथ्वी जहां स्थित है उसे मिल्की वे कहा जाता है। मिल्की वे शब्द ग्रीक भाषा से आया है। ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगा है, जहां हमारा सौरमंडल स्थित है उसे ही मिल्की वे नाम दिया गया है। माना जाता है कि कई आकाशगंगाओं के केंद्र पर सुपर मैसिव ब्लैक होल होते हैं और मिल्की वे के केंद्रीय ब्लैक होल का द्रव्यमान सूर्य से 4 मिलियन गुना अधिक यानी ज्यादा होता है। मिल्की वे पृथ्वी से सफेद रोशनी के एक धुंधले बैंड के रूप में दिखाई पड़ती है। इसे नग्न आंखों से देखे जाने वाले जितने भी आपको तारे दिखाई पड़ते हैं रात्रि में, वो मिल्की वे का ही हिस्सा होते हैं। अब बात करते हैं डार्क मैटर की। डार्क मैटर डार्क एनर्जी का कलेक्शन है जो तारों को आपस में टकराने से रोकता है। यानी डार्क एनर्जी वो है जो तारों को आपस में टकराने से रोकती है, और ये एनर्जी अंतरिक्ष को एक्सपेंड मतलब बढ़ाने का काम करती है। ये अदृश्य शक्ति है। डार्क मैटर अदृश्य शक्ति है, मतलब जो एनर्जी अंतरिक्ष में मौजूद रह तारों और वो सब जो अंतरिक्ष में मौजूद है उन्हें आकर्षित करती है अपनी तरफ, वो डार्क मैटर होती है। और ऐसी एनर्जी जो इन सबको डिस्ट्रैक्ट करने का काम करती है वो डार्क एनर्जी कहलाती है। अब बढ़ते हैं शोध की तरफ। तो दोस्तों, नीदरलैंड के खगोलविदों और शोधकर्ताओं की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने अत्याधुनिक दूरबीनों का उपयोग करते हुए एक आकाशगंगा खोज निकाली है जिसमें डार्क मैटर के कोई निशान नहीं मिले। वैज्ञानिकों को इस गैलेक्सी का नाम AGC 114905 दिया है। वैज्ञानिकों ने इस गैलेक्सी का नाम जिसमें डार्क मैटर नहीं है, इस पर एक पेपर रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के मासिक पत्रिका में प्रकाशित होने वाला है, ये बताया गया है। इस रिसर्च टीम ने करीब 6 ऐसी आकाशगंगाओं की खोज की है जिनमें कोई भी डार्क मैटर नहीं है। तो ये आकाशगंगा AGC 114905 लगभग 250 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। इस आकाशगंगा को अल्ट्रा डिफ्यूज ड्वार्फ आकाशगंगा की श्रेणी में रखा गया है। आपको बता दें कि एक ड्वार्फ गैलेक्सी वह है जो गैलेक्सी की चमक को दर्शाती है, ना कि उसके आकार को। एक आकाशगंगा में हमारी आकाशगंगा से 1000 गुना कम तारे हैं। वहीं ये भी बताया कि सभी आकाशगंगाएं निश्चित रूप से अल्ट्रा डिफ्यूज मतलब मौनी आकाशगंगाएं तभी मौजूद हो सकती हैं जब वे डार्क मैटर द्वारा एक साथ रखी जाती हैं। शोधकर्ताओं ने बताया कि VLA टेलीस्कोप का उपयोग करके जुलाई और अक्टूबर 2020 के बीच 40 घंटे के लिए AGC 114905 में गैस के रोटेशन पर डेटा एकत्र किया। इसके बाद उन्होंने एक्स अक्ष पर आकाशगंगा के केंद्र से गैस की दूरी और वाई अक्ष पर गैस के घूर्णन गति को दर्शाने वाला एक ग्राफ बनाकर तैयार किया। ये ग्राफ डार्क मैटर की उपस्थिति को प्रकट करने का एक मानक तरीका है। ग्राफ से पता चला कि AGC 114905 में गैस की गति को सामान्य पदार्थ द्वारा पूरी तरह से समझाया जा सकता है। पावेल मंसेरा पीना का कहना रहा कि इसमें कोई दो राय नहीं, यह हमारे पिछले मापों की पुष्टि करता है, लेकिन अब समस्या यह है कि सिद्धांत कहता है कि AGC 114905 में डार्क मैटर होना चाहिए, लेकिन हमारी टिप्पणियों का कहना है कि ऐसा नहीं है। वास्तव में सिद्धांत और अवलोकन के बीच का अंतर केवल बड़ा होता ही जा रहा है। वहीं सह लेखक टॉम ओस्टरलू यानी एस्टोन का कहना है कि एक और धारणा है जो उनके निष्कर्षों को बदल सकती है। यही वह अनुमानित कोण है जिस पर उन्हें लगता है कि वे आकाशगंगा को देख रहे हैं, लेकिन फिर से डार्क मैटर के लिए जगह होने से पहले उस कोण को हमारे अनुमान से बहुत अधिक विचलन करना पड़ता है। इस बीच शोधकर्ता दूसरी अल्ट्रा डिफ्यूज ड्वार्फ आकाशगंगा की और अच्छे से जांच कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक आकाशगंगा में डार्क मैटर पाए जाना जरूरी होता है। यदि फिर से उस आकाशगंगा में डार्क मैटर का कोई निशान नहीं मिलता तो यह खराब आकाशगंगाओं के मामले की तरफ रुझान देता है, मतलब इशारा करता है। मंसेरा पीना और उनके सहयोगियों का शोध एक अलग मामला नहीं है। इससे पहले डच अमेरिकी पीटर वैन डॉकुम ने एक आकाशगंगा की खोज की थी जिसमें संभावना जताई थी कि इसमें शायद ही कोई डार्क मैटर हो। तो दोस्तों, ये थी पूरी बात इस शोध को लेकर। फिलहाल इतना ही। इजाजत दें और खबरों के लिए जुड़े रहिए एनवर्ड के साथ। नमस्कार।